भारतीय फुटबॉल टीम ने फिनिश किया अपने ग्रुप पे तीसरे स्थान पे और उसी के साथ क्वालिफाई किया AFC एशियन कप के थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन यानी कि फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस में। मैं वीडियो नहीं डाल पाया पिछले दो मैचेस के यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, जिसके चलते मैं 14 दिनों तक यहाँ पे वीडियो नहीं डाल सकता था। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बैकअप चैनल बनाया। तो दोस्तों प्लीज़, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को अपलिफ्ट करने में, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। खुदा ना खास्ता अगर आगे जाके कुछ होता है इस चैनल के साथ तो वो चैनल हमेशा रहेगा आपके साथ बैकअप के तरह। तो उसको जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लो कि मेरे लिए भी एक यहाँ पे सिक्योर बेस बना रहे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल का, और सबसे पहले तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद इस वीडियो पे दोस्तों आप लोग सभी लोग आओ। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम AFC एशियन कप 2023 के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो AFC एशियन कप 2023 होगा वो होगा चाइना में, और चाइना एज एन होस्ट पहले से क्वालिफाइड है। और उसके अलावा जो बाकी 12 टीमें हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। वो 12 टीमें वो हैं जिन्होंने अपनी जगह फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में बनाई, और साथ में एक एक्सेप्शन एज एन कतर है, जो कि टीम अपने ग्रुप में फर्स्ट फिनिश करके क्वालिफाई कर ली AFC एशियन कप 2023 के लिए, और एज एन होस्ट वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए पहले से क्वालिफाइड थी। तो कौन कौन सी टीमें हैं जो कि पहले से क्वालिफाइड हो चुकी हैं AFC एशियन कप के लिए, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली टीम है जापान, उसके बाद है ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, चाइना, सीरिया, ओमान, वियतनाम और लेबन। ये ऐसी टीम्स हैं जो कि पहले से क्वालिफाइड हैं AFC एशियन कप 2023 के लिए, और बाकी की जितनी भी बची हुई टीमें यानी कि और 12 स्पॉट्स जो हैं AFC एशियन कप के लिए, वो डिसाइड किए जाएंगे यहाँ पे प्लेऑफ से और साथ में फाइनल राउंड क्वालिफिकेशन से। तो भारतीय फुटबॉल टीम पहले ही फाइनल राउंड क्वालिफिकेशन में पहुँच चुकी है, और एक बड़ा अपडेट और एक सडन चेंज आया यहाँ पे AFC की तरफ से, जो कि पहले जो ज़्यादा टीमें यहाँ पे प्लेऑफ में खेल के फिर से AFC एशियन कप के फाइनल राउंड क्वालिफिकेशन में जाती थी, तो इस बार चेंजेस किए गए हैं कोविड के चलते, क्योंकि मैचेस कम करवाना चाहती है अभी के सिचुएशन में AFC। इसलिए बहुत सारी टीमों को जिन्होंने यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ फिनिश किया है, जो कि ओरिजिनली ऐसे तो क्वालिफाई नहीं करने चाहिए थे डायरेक्ट AFC एशियन कप के फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस में, लेकिन उनको भी पुश कर दिया गया है, जिसमें से एक बेनिफिशियरी यहाँ पे हमारी बांग्लादेश की टीम है, जो हमारे ग्रुप में फिफ्थ पोजीशन पे थी और उसे प्ले ऑफ खेलना चाहिए था यहाँ पे AFC एशियन कप फाइनल राउंड क्वालिफिकेशन में जाने के लिए, लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि जो वर्स्ट फिफ्थ प्लेस टीम थी, जिसमें यहाँ पे कंबोडिया और गुआम जैसी टीम्स आती हैं, चाइनीज ताइपे जैसी टीम्स आती हैं, उनके लिए एक प्लेऑफ करा रहे हैं यहाँ पे सितंबर से नवंबर के बीच में। चार टीमें हैं और उसको दो दो के ग्रुप में बांटा जाएगा, और दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे से एक होम और एक अवे मैच खेलेगी, और उसके बाद जो यहाँ पे उससे जो टीम विनर निकल के आएगी वो यहाँ पे पॉट में आएगी, जो कि चार पॉट पहले से बने हुए हैं, और उस पॉट से कैसे यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे और कैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस खेले जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे चार पॉट्स हैं, पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4। अब चारों यहाँ पे पॉट्स में 6-6 टीम्स होंगी। अभी पॉट 1 में 6 टीम है, पॉट 2 में यहाँ पे 5 टीमें हैं, क्योंकि एक टीम जो इसमें गई है AFC प्लेऑफ्स में, वहाँ पे उसकी रैंकिंग जो है वो पॉट 2 के हिसाब से होनी चाहिए थी, और साथ में पॉट 3 में पहले से यहाँ पे 6 टीम्स हैं, और पॉट 4 में यहाँ पे अभी 5 टीमें हैं और एक टीमों का यहाँ पे जगह बचा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कौन कौन सी टीम किस पॉट में है। पॉट 1 में उज्बेकिस्तान है, जॉर्डन है, बहरीन है, किर्गिस्तान है, पैलेस्तीन है, इंडिया है लास्ट में। उसके बाद पॉट 2 में थाईलैंड है, तजिकिस्तान है, फिलिपाइंस है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर म्यांमार है, और एक टीम का प्लेस खाली है। फिर पॉट 3 में यहाँ पे हांगकांग, येमेन, कुवैत, अफगानिस्तान, मलेशिया और मालदीव्स है। वहीं अगर हम बात करें आखिरी पॉट यानी कि पॉट 4 के बारे में, तो उसमें सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया, एक टीम का प्लेस बचा हुआ है, और आखिरी में श्रीलंका है। तो ये हैं चारों पॉट, और आप ध्यान देंगे दोस्तों कि सारे चारों पॉट में यहाँ पे 6-6 टीम हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, जो आपके पॉट में टीम है इस समय
उससे आप AFC एशियन कप फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस में मैचेस नहीं खेल सकते, क्योंकि हर एक पॉट से हर एक ग्रुप में बस एक ही टीम होगी, यानी कि 6 ग्रुप्स बनेंगे जहां पे हर एक ग्रुप में यहां पे 4 टीमें होंगी। मान के चलिए कि अगर पॉट 1 से हम एक टीम को पिक करते हैं इंडिया को, और पॉट 2 से हम पिक करते हैं यहाँ पे तजिकिस्तान को, तो पॉट 3 से हम पिक करेंगे कुवैत को, और पॉट 4 से पिक करेंगे सिंगापुर से, तो यहाँ पे इन चारों टीम का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से एक एक पॉट से एक एक टीम चूज़ करके यहाँ पे कुल मिला के 6 ग्रुप्स बनेंगे, और हर एक ग्रुप में यहाँ पे 4 टीमें होंगी। अब ये जो 4 टीमें हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे होम और अवे मैचेस खेलेगी, और होम और अवे मैचेस खेलने के बाद जो 2 की जो टॉप टीम होगी, यानी कि एक ग्रुप अगर बनता है और वहाँ पे जो 2 टीम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होगी इन 6 ग्रुप में, वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी AFC एशियन कप 2023 के लिए। यानी कि 6 ग्रुप जो होंगे उनमें से 2-2 टीम, टॉप की 2-2 टीम, यानी कि कुल मिला के 12 टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी AFC एशियन कप 2023 के लिए, और बाकी जो 12 टीमें जो पहले से क्वालिफाइड हैं उनको वो ज्वाइन करेगी AFC एशियन कप में, और वो जो 24 टीमें हैं वो खेलेंगी AFC एशियन कप, जो कि होगा चाइना में। और उसके जो डेट्स और शेड्यूल है दोस्तों वो आने वाले साल में आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये मैचेस कब भारतीय फुटबॉल टीम खेलेगी, तो मैं आपको बता दूं ये जो मैचेस हैं अभी के हिसाब से फरवरी 2021 में स्टार्ट होने हैं, और उससे पहले अगर कोई शेड्यूल यहाँ पे पहले से फिक्स्ड है तो वही शेड्यूल फिक्स्ड है सैफ चैम्पियनशिप्स का, जो सितंबर में होगा। मेरे हिसाब से 15 सितंबर को भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ पे मैच खेलेगी अभी के हिसाब से, अगर कोई मैच बीच में नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैचेस बीच में आने चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस पोजीशन पे यहाँ पे पॉट 1 पे है उसका जो रैंकिंग है वो 105 है, और पॉट 2 में यहाँ पे जो थाईलैंड है टॉप पे है और उसका जो रैंकिंग है वो 106 पे है। अगर भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 1-2 नीचे जाती है और या थाईलैंड ऊपर आ जाती है इंडिया से, तो इंडिया चली जाएगी पॉट 2 में और थाईलैंड आ जाएगी पॉट 1 में, तो हो सकता है कि आपको एक ऐसा ग्रुप मिले जहां पे आपसे एक तगड़ी टीम यानी कि उज्बेकिस्तान या जॉर्डन या बहरीन जैसी टीम पहले से उस ग्रुप में प्रेजेंट हो, और साथ में अगर आपको अफगानिस्तान जैसी टीम मिल जाती है जो कि कभी भी आपको अपसेट कर सकती है, कुवैत जैसी टीम मिल जा सकती है जो कभी भी आपको अपसेट कर सकती है, तो ये सारी टीम्स अगर आपको मिल जाती है तो आप एक रिस्क फैक्टर उठाओगे अपने लिए। लेकिन उससे बेटर है कि आप जो है अभी अपने रैंकिंग पे ध्यान दो कि आप पॉट 1 में ही रहो, और आपको जो बाकी जो 3 टीमें हैं तो वो आपसे थोड़ी सी वीक मिले कि आप इजीली यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड फिनिश करके यहाँ पे AFC एशियन कप 2023 में यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पर रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि अभी हम बैठ जाएं जुलाई और अगस्त में मैचेस नहीं खेले, और वहीं थाईलैंड जो है वो आके मैचेस खेल ले और अपने रैंकिंग्स ऊपर कर ले, और उसके बाद हम पॉट 2 में चले जाएं और थाईलैंड यहाँ पे पॉट 1 में चली जाए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी जुलाई और अगस्त में भारतीय फुटबॉल टीम को मैचेस खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी टीम से मैचेस खेले, अपने रैंक को ऊपर करे, और साथ में सैफ चैंपियनशिप्स में अच्छा प्रदर्शन करे, तो हो सकता है कि अपने ही पॉट में भारतीय फुटबॉल टीम सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि उज्बेकिस्तान का रैंक है जो वो 86 है, तो 86 तक तो पहुंचना अभी मेरे लिए बिल्कुल एक रियलिस्टिक ड्रीम नहीं लगता, लेकिन जॉर्डन और बहरीन जो कि 95 और 98 पोजीशन पे हैं उनको ज़रूर पीछे कर सकती है भारतीय फुटबॉल टीम अगर यहाँ पे 6-7 या 8 मैचेस खेलती है सितंबर तक में, और कुछ मैचेस जीत जाती है, या नवंबर तक का टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो नवंबर तक में भी अगर इंडिया फुटबॉल टीम 10-12 मैचेस खेलती है और अगर अपनी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जीत जाती है, तो हो सकता है कि भारतीय फुटबॉल टीम 94th, 95th, 93rd पोजीशन पे उस समय तक हो नवंबर में, जब ये यहाँ पे पॉट के हिसाब से जो ग्रुप बटेंगे, तो ये चीज़ सही है। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप जो बटेंगे दोस्तों वो अप्रॉक्स नवंबर या दिसंबर या जनवरी में बटेंगे, और जो पॉट भी जो होगा उस समय के हिसाब के रैंकिंग से ही बनेगा, उस समय भारतीय फुटबॉल टीम की क्या रैंकिंग होगी उसके हिसाब से पॉट में उनको रखा जाएगा। अभी के रैंकिंग के हिसाब से भारतीय फुटबॉल टीम पॉट 1 में है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आप लोग दोस्तों को। अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने बहुत टफ यहाँ पर प्रैक्टिस किया है आपको बताने का, और साथ में ही आपके मन में होगा इगोर शिमेश वाली कहानी कि उनको रखा जाए क्या किया जाए, उसके साथ भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, और साथ में AFC एशियन कप और यूरो कप को भी यहाँ पे कंपेयर करूँगा बहुत ही जल्द। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पे स्पोकॉम फैट को यार, तो सब्सक्राइब मार दो। साथ में बहुत ही यहाँ पे दिक्कत हुई है मेरे, 14 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, और साथ में बैकअप चैनल जो मैंने पहले बोला उसको जाके यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोज़ उस पर भी आएगी, हो सकता है कि मैं उसमें ओलंपिक्स 2021 भी कवर करूँ उस
चैनल में, इस चैनल पर नहीं करूँगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली बस इंडियन फुटबॉल के लिए है, और वहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं ओलंपिक फुटबॉल सब कुछ कवर करूँ। तो वहाँ पर जाके दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो करते हैं ख़त्म। और साथ में इंस्टाग्राम दोस्तों, उसका भी लिंक होगा कमेंट बॉक्स में या साथ में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।